नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश। कल्याण सिंह का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और वह बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने अध्यापक की नौकरी भी की थी। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार की रात को निधन हो गया। 89 साल के कल्याण सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। कल्याण सिंह ने दुनिया तो छोड़ दी लेकिन राजनीति में उनके नाम को हमेशा याद रखा जाएगा। कल्याण सिंह का जन्म 5 फरवरी 1935 को अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अध्यापक की नौकरी भी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही राजनीति भी अपनी जारी रखी। आगे चलकर 1991 में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह का जीवन बेहद उठा पटक वाला रहा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कल्याण सिंह अपनी कुछ राजनीतिक गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कप्तान बनते बनते रह गए थे, अन्यथा वह आज अटल आडवाणी की श्रेणी के नेता होते। पूर्व सीएम कल्याण सिंह जब पर की जब भी बात होगी तब उनके जीवन के इन 5 अध्यायों की चर्चा जरूर होगी। बाबरी, वाजपेयी, कुसुम राय, यूपी सीएम और श्री प्रकाश शुक्ला। कल्याण सिंह साल 1967 में जनसंघ के टिकट पर अतरौली सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे थे और साल 1980 तक लगातार इसी सीट से वह जीतते रहे। आगे चलकर जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और साल 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। हालांकि साल 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को हार का सामना भी करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी का साल 1980 में जब गठन हुआ तो कल्याण सिंह को पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया था। अयोध्या आंदोलन के दौरान उन्होंने गिरफ्तारी देने के साथ ही कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम किया था। इस आंदोलन के दौरान ही उनकी छवि राम भक्त की हो गई थी। वे यूपी ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय हो गए थे। इसलिए साल 1991 में जब यूपी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बनाया गया। पूरे देश में तब मंडल आयोग के समर्थन में और विरोध की लहर चल रही थी। दूसरी ओर राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था। मुलायम सिंह यादव के यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई। इस गोलीबारी में कई कार सेवकों की मौत भी हो गई थी। बीजेपी ने तब कल्याण सिंह को मुकाबला करने के लिए आगे किया था। कल्याण सिंह ने इसे मुद्दा बना दिया। जातिगत समीकरणों से भी भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिला। नतीजा यह रहा कि कल्याण सिंह 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहे। कल्याण सिंह जैसे ही मुख्यमंत्री बने वे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अयोध्या दौरे पर पहुंच गए थे और वहीं पर राम मंदिर निर्माण की उन्होंने शपथ भी ली थी। कल्याण सिंह के कार्यकाल में ही वो दिन आया जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढा दी थी। मस्जिद गिरते ही कल्याण सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में कल्याण सिंह ने कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस भगवान की मर्जी थी और उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है, कोई उन्हें कोई दुख भी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। यह सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उनका मकसद अब पूरा हुआ है। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान है। राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता ठोकर मार सकता हूँ मैं। केंद्र सरकार कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकती है क्योंकि मैं ही हूँ जिसने अपनी पार्टी के बड़े उद्देश्य को पूरा किया है। कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही नेताओं ने आरएसएस से निकलकर जनसंघ से होते हुए बीजेपी का गठन किया था और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हालांकि इसी के साथ कल्याण सिंह और वाजपेयी के बीच राजनीतिक खींचतान और मनमुटाव जैसी खबरें भी आती रहीं। अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह ने एक ही दौर में सियासत में अपना कदम रखा था और एक ही राजनीतिक विचारधारा के साथ आगे बढ़े थे। कभी बनिया और ब्राह्मण की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को पिछड़ों के बीच मजबूत करने में कल्याण सिंह ने अहम भूमिका अदा की थी। एक समय में उन्हें वाजपेयी के विकल्प के तौर भी देखा जाने लगा था लेकिन कल्याण सिंह धैर्य से काम नहीं ले सके। कल्याण सिंह कहा करते थे कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी जब मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात को स्वीकार कर लिया था। अगर मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होता तो अटल बिहारी वाजपेयी मुझे अपने पद से हटा नहीं सकते थे। इसी दर्द के बाद में कल्याण सिंह ने बीजेपी को अलविदा तक कह दिया था। कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच
सियासी रस्साकसी की बुनियाद 1977 के समय पड़ी। 1996 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसके चलते यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, लेकिन चार महीने के बाद 1997 में अटल बीजेपी की भी सरकार बनाने के लिए बने। छह महीने के मुख्यमंत्री का फार्मूला तय उनके नहीं रह गए। 13 महीने बाद अटल की सरकार एक बोर्ड से गिर गई थी। कांशीराम ने वाजपेयी से सदन में समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन कल्याण सिंह के प्रकरण के चलते बसपा सदन से वॉकआउट कर गई थी। इसके बाद जब साल 1999 में मध्यावधि चुनाव लोकसभा के हो रहे थे, तब कुछ ऐसे बयान सामने आए जिससे दोनों नेताओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाया गया। कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को साजिशकर्ता और ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति तक बता दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को एक पिछले वर्ग से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में सहन नहीं हो रहा था। अटल जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए राम मंदिर मुद्दे को तिलांजलि दे दी है। वह बीजेपी को खत्म करने पर उतारू हैं। वाजपेयी के खिलाफ मोर्चा खोलने के चलते कल्याण सिंह को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी से निष्कासित कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद भी कल्याण सिंह ने वाजपेयी के खिलाफ बयानबाजी अपनी बंद नहीं की। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष कुशा भाऊ ठाकरे ने कल्याण सिंह को 6 साल के लिए बीजेपी से बाहर कर दिया था। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीती। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जनसंवाद न्यूज़।